Hello, in this video we will discuss about RPSC Kolel lecturer paper pattern. आज हम Kolel lecturer के paper pattern के बारे में discuss करेंगे. Kolel lecturer में कितने paper होंगे आपके? Total 3 paper. है आपको total number of paper कितने होंगे आपके? 3. कितने paper? 3. तो first paper किसका होगा आपके? राजस्थान जीके का. वो सभी के लिए कॉमन होगा. फर्स्ट पेपर राजस्थान जीके का सभी के लिए कॉमन. इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे आपके. मतलब अगर एक क्वेश्चन दे दिया उसके ए बी सी डी चार ऑप्शन आएंगे, उसमें आपको कोई सा भी एक टिक लगा के आना है. ए बी कोई सा भी एक लगा के आना है. इसके मैक्सिमम मार्क्स कितने नंबर का पेपर होगा या 50 नंबर का पेपर होगा. इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे? 100 क्वेश्चन है और 50 नंबर का. तो एक क्वेश्चन कितने नंबर को जाएगा? 1/2 नंबर का एक क्वेश्चन हो जाएगा. और डोले सुनो, पेपर कितने समय का पेपर होगा या 2 घंटे का पेपर होगा. इसमें सभी क्वेश्चन को इक्वली मार्क होंगे, सभी क्वेश्चन के नंबर बराबर होंगे. देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग या नेगेटिव मार्किंग है पेपर में, ध्यान रख लियो. जो भी क्वेश्चन करो सोच समझ के करना, ठीक है. यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग बहुत मैटर करती है. अगर आपने क्वेश्चन किया तो उसमें नेगेटिव होगी 1/3. इसमें दिया नहीं गया लेकिन 1/3 होगी शायद. इसमें पेपर पैटर्न, टू सब्जेक्ट पेपर. सब सब्जेक्ट पेपर कितने होंगे? दो सब्जेक्ट के पेपर कितने होंगे? दो. अगर आपने फिजिक्स लिया हुआ है तो पेपर फिजिक्स में कितने पेपर होंगे आपके? दो पेपर फिजिक्स के होंगे. इसमें भी किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप, ए बी सी डी वाले. इसमें एक पेपर में कितने नंबर का होगा? 75 नंबर का. इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 क्वेश्चन होंगे. वैसे भी इसमें 3 घंटे का पेपर होगा. इसमें भी जितने भी क्वेश्चन है सभी का इक्वल मार्क होंगे. देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग. इसमें शायद 1/4 नेगेटिव मार्किंग है दोनों पेपर में. तीनों पेपरों में 1/4 है शायद. आई डोंट हैव अ कंफर्म, बट 1/4 या 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें. 1/4 होगी जहां तक मेरे को ऐड है. 1/4 होगी. मीडियम ऑफ एग्जाम हिंदी और इंग्लिश बाय लैंग्वेज होगा इसमें. जो पेपर है उनका जो आएगा आपके पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा. लेकिन अगर आपके हिंदी में कोई क्वेश्चन गलत है इंग्लिश में सही है तो वो इंग्लिश वाला सही माना जाएगा. इंग्लिश को प्रायोरिटी ज्यादा दी जाएगी, ठीक है. तो इसमें दो पेपर तो सब्जेक्ट के हो गए. दोनों पेपर के कितने नंबर? 75 + 75. और जो जीके वाला पेपर उसके कितने नंबर का था? 50 नंबर का. तो टोटल कितने नंबर के पेपर हो गए अपने? 150 नंबर के अपने पेपर हो गया. टोटल 200 नंबर का पेपर हो गया अपने. 150 का तो सब्जेक्ट का हो गया और 50 नंबर का जीके का. मतलब 200 नंबर जी टोटल हो गया. 24 नंबर का अपना क्या होगा? इंटरव्यू होगा. 24 नंबर का अपना इंटरव्यू कितने नंबर का होगा? 24 नंबर का इंटरव्यू होगा. दो पेपर सब्जेक्ट के, ठीक है. तो इसके 150 नंबर का तो ये और जीके 50 नंबर जीके का हो जाएगा. तो टोटल कितना हो गया? 200. और इसमें 200 नंबर का तो ये और 200 नंबर के तो पेपर हो गए. 3 पेपर 200 के. तो इसमें 24 नंबर का आपके इंटरव्यू होगा. अगर आपने पेपर में अच्छा स्कोर किया है तो आपके इंटरव्यू 24 नंबर का होगा. तो टोटल कितने नंबर का पेपर आएगी आपकी कटो बन के? 224 में से आपकी कटो बनकर आएगी. तो अभी तो आपका जो हाथ में कितने नंबर है आपके हाथ में? 200 नंबर. 24 नंबर तो वैसा आपके हाथ में नहीं है. वो इंटरव्यू लेने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने कितने नंबर दे. वो मिनिमम 6 या 7 नंबर देगा, मैक्सिमम उनके हिसाब से डिपेंड करता है उनको कि आपने कैसे आंसर दिए. लेकिन आप 200 में से मैक्सिमम स्कोर यहाँ पर कर लो. आप जितना हो सके 200 में से 200 तो नहीं हो पाएंगे क्वेश्चन.
200 तो नहीं ला पाओगे, लेकिन आप जितना ला सकते हो, 110, 120, 130, 150 जितना ला सकते हो, 200 नंबर आपके हाथ में है। अगर आप 150 का टारगेट लेके चलते हो तो आपका सोर्स सिलेक्शन है, कोलेज लेक्चर आप बन जाओगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।